नमस्कार, केसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एमजेड खान। आइए डालते हैं आज की ताजा खबर पर एक नजर। जोरापोखर थाना अंतर्गत भौरा ओपी क्षेत्र के पुरनाडी बस्ती के समीप तेज रफ्तार हाईवा संख्या JH10AX5951 ने स्कूटी संख्या JH10AN7405 में सवार व्यक्ति रामलाल रवानी को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक सुदाम डी का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना की सूचना पाकर भौरा ओपी प्रभारी हिमांशु कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। भौरा ओपी प्रभारी हिमांशु कुमार ने केसीएन टीवी चैनल से बात की और घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घायल अवस्था में इलाज के लिए जामाडोबा टिस्को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आइए सुनते हैं भौरा ओपी प्रभारी हिमांशु कुमार ने घटना के बारे में क्या कहा। सूचना मिली था कि पुनाडी बस्ती के पास सड़क दुर्घटना हुआ है। स्पॉट पे गए, पता चला कि एक स्कूटी पर सवार व्यक्ति एम्बुलेंस होकर एक हाईवा के नीचे घुस गया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। उसको वहाँ से उठा करके टाटा हॉस्पिटल भेजा गया, वहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया। उसके पास आईडी मिला है, आईडी में उसका नाम पता जो है वो रामलाल रवानी सुदामडी सुतिकडी बस्ती का रहने वाला है। घर पे खबर कर दिया गया है, परिवारजन पहुँचने वाले हैं। रात भर बॉडी को रखा जाएगा मच्छरियों, सुबह पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। हाईवा को थाना जलाया गया है, स्कूटी भी थाने पर आई है। गिरफ्तारी किसी की नहीं है, जाँच होगा उसको कांड दर्ज करने के बाद। चालक भाग। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई और ताजा खबर लेकर। केसीएन टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।